है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। तो चंद्रमा को और सूर्य को आपने बांध रखा है क्या? बोलो, बांध नहीं सकते। आज चंद्रमा चौथे दिन आया ऐसा सुना। सूरज, हाँ चंद्र बोला, सूरज चौदह दिन आया, आता तो वह प्रतिदिन, किंतु वो हमें दिखने में नहीं आया। आगे समझ में? इसी प्रकार समय पर जो कार्य करना है आपको, उसके लिए सो नहीं सकते, ये सूर्य से और चंद्रमा से पाठ लीजिए। सामग्री का संपादन ही संपादन है, समय का संपादन नहीं होता। समय पर काम हो, उससे पहले मांगलिक कार्य अच्छा हो गया तो वही उसकी तिथि, वही उसका मुहूर्त मानना चाहिए, क्योंकि मांगलिक कार्य संपन्न हो गया पहले, अच्छा ही हुआ। लेकिन सो नहीं सकते आप, दिन और रात को एक करने का अर्थ, विज्ञान को भी सोचना चाहिए। विज्ञान के पास ये शब्द नहीं होगा कोश में, दिन और रात को एक करने का क्या अर्थ होता है। ध्यान रखो, शब्दों के तो अर्थ हुआ करते हैं, कुछ सूक्तियां कुछ मुहारे ऐसे होते हैं जिनको कोश का रूप नहीं दिया जा सकता, कोश वाले इसके माध्यम से भी कुछ कहने का प्रयास कर सकते हैं। तो दिन और रात आप एक करना चाहते हैं, ये भी बहुत आवश्यकता नहीं। दिन में काम करो और रात में आप कुछ विश्राम लो, लेकिन विश्राम लेते लेते मन को भगाते रहो। कल के बारे में क्या करना, कितना करना सोचते रहो, जब तक नींद नहीं आए तब तक चलता रहेगा, और कब नींद आए पता नहीं लगेगा। यही एकमात्र किसी भी अच्छे कार्य करने का एक मुहूर्त कार्य है। अब हम आपके सामने कल नहीं परसों की तो अपनी घोषणा कर ही दी, हमारे कहने से कर दी क्या? हाँ, हमारे कहने से तो है ही नहीं। भले ही आप ब्रह्मचर्य कहीं गाते जग गए, वो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि कल नहीं परसों आपने जब घोषणा ही कर दी तो वो अपने भी ढंग से करेंगे तो कहीं काम। काम करने वाला व्यक्ति अपने सामने काम को ही रखता है, समय को नहीं रखता। काम करने वाला व्यक्ति अपने सामने समय नहीं रखता है और वह कार्य कर जाता है। बहुत दिन के बाद प्रधानमंत्री के मुख से, कई प्रधानमंत्री बने लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री के मुख से दो बातें सुनी बहुत अच्छी लगी है। यद्यपि उसको हम पहले से करते थे, लेकिन उनके मुख से सुनने से आप लोगों को भी ज्ञात हो जाए। कई व्यक्ति अपने अपने सोचते रहते हैं, सुना तो होगा आपने भी, लेकिन फिर भी प्रासंगिक कहना चाहता हूँ। कई लोग व्यक्ति बनने के ठानते हैं, मुझे वो बनना, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना, मुझे ये बनना, मुझे इसके बाद ये बनना, मुझे इसके बाद ये बनना। अब यदि नहीं बनता है तो बिरबाद में अंतिम जीवन में मैं बन नहीं सका, और बन भी नहीं सकेगा। इसलिए बनने का मत ठानो, कुछ करने का ठानो। करोगे अवश्य दुनिया आपको बना देगी। स्वयं बनना चाहते हैं, बन नहीं पाओगे।
और करोगे सही दिशा में, दुनिया आपको बना देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन के विशाल कालखंड में काम आने वाला है। ठीक, संसारी प्राणी हमेशा हमेशा बनना चाहता है, कार्य करना नहीं चाहता। कार्य करना अपने आप में एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। रुचि के बिना वो कार्य संपादित नहीं होता। कार्य में सफलता नहीं मिलना भी ये हमारा दोष नहीं है, क्योंकि वह ऐसा जटिल कार्य है, उतने कम समय में हम करना चाहते हैं वो गलत हो जाता है। हम कार्य करते चले जाएं। इस स्थान पर ये लिखा था, असफलता भी सफलता की कुंजी है। हमने कहा ये तो चाबी कहीं मिलती नहीं, और असफलता तो बहुत सारी मिल जाती। असफलता कदम कदम पर मिलती है। हर व्यक्ति से पूछता हूं, मैं तो सफल नहीं हो सका, मैं तो सफल नहीं हो सका, मैं तो सफल नहीं हो सका, स्वप्न में भी सफल नहीं हो सका। भैया दिन का ही स्वप्न में आया करता है, जो रटता रहता है उस स्वप्न को कभी भी साकार नहीं होता हो, और साकार करने का पुरुषार्थ भी गलत होता है। और जो स्वप्न साकार होते हैं उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती है और अपने आप ही सामने आ जाता, क्योंकि कार्य करने की यही पद्धति हुआ करती। ये भारतीय संस्कृति हमेशा हमेशा हमें कार्य करने की ओर संकेत तो देती है, बनने की ओर नहीं। बनना चाहें तो आप बन नहीं सकते संकल्प मात्र से, किंतु कार्य करने से ही बनता है। अपने कुछ ऐसे भी निदान वगैरह हैं, निदान बन ध्यान, जो हमें आंखें खोल देते हैं। वो ये है कि आपके पास कुवत कम है, यानी धन संपदा इत्यादि के कम है, और बैंक में से लोन लेना चाहो, हमारे 10 करोड़ दे दो, तो बैंक का खाता दे दो, देख लेते हैं आपकी कितना है। यही मान लो आपके पास 20 करोड़ या 1 अरब हो तो हम आपको दे सकते। आप 10 लाख के आशा में तो है ही नहीं, और 10 करोड़ निकालना चाहिए, हम बैंक चलाते हैं। नहीं समझे, बैंक कभी भी जो मांगता है उसके अनुसार नहीं देता, उसकी पद्धति अलग है। वो निदान में भी ऐसा ही होता है, हर एक व्यक्ति हे भगवान मुझे ये चाहिए, हाँ भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान इस पागल के सामने क्या कहे। भगवान को मालूम है कि आपकी कितनी कुवत है। आज तक किसी भी तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर निदान के माध्यम से नहीं बने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है था, निदान के माध्यम से नहीं बन सकता। 12 भावना 16 कर्म भावना ये भाती चली जाओ, मैं तीर्थंकर बनने जा रहा हूं ऐसा नहीं सोचा उसने, और अपने स्वप्न में न आकर के मां के स्वप्न में आ गई, मेरा लड़का मेरा लाला तीर्थंकर बनने वाला है, आनंद से पुलकित होकर के वो चले गए। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? अच्छे ढंग से सुनो। यह कोई अच्छे कार्य के लिए अच्छा सुनना भी परम आवश्यक होता है। मुझे अभ्यास हो गया हो बार बार पूछने का, ऐसा नहीं है, समझे? मैं मुखागर करना नहीं चाहता, लेकिन आप सजग है क्या नहीं, कहीं नहीं कह दिया 24 तारीख तक ये पूर्ण हो जाएगा, हाँ अभी प्रारंभ ही नहीं और पूर्ण हो जाएगा कह दिया।
आखिर इन लोगों को माइक देने से ये तो कहेंगे और क्या, माइक के सामने क्या क्या बोला जाता, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई प्रारंभ भी नहीं हुआ, पंच कल्याण 5 दिन का 6 दिन का होता है, अभी 24 दिन की बात कर रहे हैं, अभी पात्रों को बनाओ फिर बाद में देख ले, कल नहीं परसों बनना है। बनने की ठानो नहीं, करने के लिए क्या करना होता है। भारतीय संस्कृति है, विदेशी संस्कृति नहीं। सुनो, किसी कार्य को करना ठानते हो तो पहले कमर कस लो, बेल्ट से नहीं, धोती यदि पहनते हो ये समझे, धोती धोती पहनते हो तो उसको कसो। तो कसने का अर्थ क्या होता है, कसने का अर्थ यह होता है कोई भी भार वगैरह लेना होता है और कुछ भागना और बहुत जल्दी काम करना होता है तो कमर कसा जाता है, किससे, बेल्ट से नहीं, किंतु धोती के नीचे से लेकर के ऊपर उसको बांध दो। गांधी जी ऐसे बांधते थे, गांधी जी ने सोचा कमर कसने के लिए बार बार कसने के ऊपर तो वह फट भी सकती है, नीचे और खिसक भी सकती है, तो ऐसा कर लो। उन्होंने क्या कर दिया था, घुटनों तक की ही धोती पहन देते हो। कभी देखा उनके चित्र को, कभी देखा, देख लेना है और उसके बारे में चिंतन कर लेना। मैंने सोचा कि गांधी जी घुटने तक क्यों धोती पहनते थे, 1 लीटर कम लगता नहीं, कम से मतलब नहीं, गिर न जाओ, जल्दी जल्दी पैर रखते। सुनो ए बच्चों, सुनो, झाड़ू के झाड़ू छाप ये सूट पहन करके आते हो क्या, ये झाड़ू छाप सुन रहे हो, ये वृद्ध है वो भी वही पहनते हैं और बच्चे भी वही पहनते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा बोलो। वो ऐसे झाड़ू इसलिए कि सड़क बिल्कुल साफ होती चली जाती, वो चलते हैं तो एक पग दो काज, सारे सारे कूड़ा कचरा उस झाड़ू छाप सूट में आ जाए और उसको वो फाड़ते नहीं, वो अपने आप फटता है, तो ये बहुत अच्छा मानते हैं वो लोग। नहीं मानते बच्चों, हमने एक व्यक्ति के मुख से यही सुना, वो जितना घस घस करके फटेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। ये कहाँ लिखा है मुझे बताओ, कौन से विज्ञान के पाठ्यक्रम में आया, और वो ही देखते रहते हमेशा हमेशा फाटते जाओ, गलत। स्वास्थ्य की दृष्टि से, गिरने की अपेक्षा से, ये सब देखा जाता है। कम से कम आप सड़क पर रहिए कि मंदिरों में उन झाड़ू के छाप को पहन करके मत जाओ, क्योंकि मंदिर की सच्चाई सफाई इससे बिगड़ जाए। पहले पानी रखा जाता था, नहीं समझे, पैर भी धो हाथ भी धो सब कुछ धो करके श्री जी की वंदना करो, तो आज यह कहीं भी नहीं। रसोई घर में नहीं समझे, रसोई बनाने वाले कोई भी आ जाए, घर के मालिक भी आ जाए, भाई वहीं पर रहो, वहीं पर बाहर आ जाइए, रसोई यहाँ ना आओ, क्यों नहीं, आप सोलह में नहीं हो सीधी सीधी बात, वहीं पर रहो, क्योंकि वहां पर आते ही पूरी पूरी रसोई में बिगाड़ा, हाँ सब बर्बाद हो जाएगा, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप, नजर भी नहीं लगा सकते, ध्यान रखो, क्या चाहते हो आप बता दो, हम पहुंचा देंगे।
क्योंकि दूषण कहां कहां से आ सकता है, ये एक अध्ययन करना आवश्यक होता। मन के इच्छाओं के द्वारा भी वस्तुओं के ऊपर दूषण आते हैं और दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें भारतीय संस्कृति के अध्ययन करने से ज्ञात हो जाता है। तो आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के सोचिएगा। अच्छे कार्य क्या है ये पहले सोचिए। अच्छे कार्यों के संपादन किसने किसने किया ये भी इतिहास पढ़िए। उनके लिए कितनी कठिनाई हुई ये भी देख लीजिए। कितनी बार वो असफल रहे इसका भी आप इतिहास ढूंढ लीजिए, फिर कहीं जा करके वो सफल हो जाते हैं। हर कार्य के लिए सफल बनाने के लिए हमें विफलता से नहीं डरना चाहिए, किंतु हम सफलता की जो कुंजी होती है उससे दूर हो जाते हैं और असफलता के जो कारण होते हैं उनका परिचय न होने से ऐसा होता है। तो करने को ढानो कमर कस के, बनने के बारे में स्वप्न ना देखो। हर एक व्यक्ति आज स्वप्न बनता है और वह स्वयं का भी सपन नहीं होता, माता पिताओं का सपन बच्चों के लिए दिया जाता। बेटा हमने स्वप्न देखा तुम इंजीनियर बनेंगे, नहीं सुन बेटा हमने स्वप्न देखा तुम डॉक्टर बनोगे, बेटा हमने स्वप्न देखा क्या बनेंगे मुनि महाराज बनेंगे, ऐसा कोई नहीं देखता। ऐसे कोई माता पिता है थोड़े हाथ उठा नहीं है ना। हाँ ये बात है। हाँ भगवान बनाओ ये तो आप कहते हैं, तो भगवान कैसे बनते बताओ, कहाँ से आते भगवान, पंचकल्याण में ज्ञात हो जाएगा। पैसा खर्च करने से पंचकल्याण होता है ऐसा, ऐसी यदि धारणा है तो पंचों को हमारा कहना है ये आप धारणा छोड़ दीजिए, नहीं समझे। अब पात्रों की चयन करने से केवल जो है कौन कितना पैसा देगा, क्यों कॉपी लेकर के बैठे कौन बना बना करके बैठे, ये कौन सा पद है ये पद है, आज प्रारंभ कर लिया इन्होंने, इसके सामने कितने शून्य हैं ये देखेंगे अब ऑडिट करने वाले। क्या है ये नहीं, चयन किसका, पात्रों का। पात्र किसे कहते हैं, पैसे के माध्यम से गलत बात, ये तो हो रहा आज कि आज भारत विदेश से उन बैंकों से राशि निकाल निकाल करके ले आ रहा और यहाँ की जनता श्रीमान जी अपने जो कुछ भी आए है उसको उन्हीं बैंकों में जाकर के रख रहे हैं। क्या हुआ ये उलट गया। इसलिए पात्रों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप लोगों को इतिहास में एक आध बार ही ऐसा काम होता है ताकि अगली पीढ़ी के सामने वह इतिहास सामने आ जाएगी तो अवश्य ही वो उसका अनुकरण कर लेगी। ऐसा आप कार्य करो तो आदर्श, इसमें बहुत आदर्श की आवश्यकता है और बहुत अच्छे ढंग से जो पूर्व में हुए हैं पंचकल्याणक वगैरह उनको आप देखिए कब हुआ क्या हुआ
आपके ही पूर्वजों ने किया होगा, ये पक्का। तो पूर्वजों ने किया है तो कब किया, कैसा किया, क्या व्यय किया, ये सारे सारे बातें उसमें लिखी रह सकती है। तो वह प्रवाहर के रूप में यदि चलता है अवश्य उसका अनुकरण आप लोगों को करना चाहिए ताकि वह जीवित रहे। तो ये है, कह रहा था कि वस्तुतः काल के माध्यम से कार्य तो होता है, लेकिन कार्य के लिए विशेष रूप से जो सामग्री की आवश्यकता है उसको आप संपादित पहले करेंगे तभी वह कार्य संपन्न होगा। आगे पीछे थोड़ा हो भी जाए तो भी वह कार्य तब संपन्न होता है जब उसके योग्य कारण उसके लिए मिल जाते हैं। योग्य कारणों की खोज संपादन करने का अर्थ यही है, हम अवश्य ही सफल होंगे। यदि उस ओर हम असावधान रहेंगे तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है पंचों के लिए काल के साथ साथ मुहूर्त के साथ साथ कि आप सरकार भी आज ये सोच रही है कि पंचायत सभा के द्वारा ही काम कराना चाहिए। ये जो चुन चुन करके चयन करके भेज रहे हैं उनके द्वारा कार्य कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, और आखिर वो इस पंचायत सभा की ओर ही देख रहे हैं। गांव गांव में आकर के किससे कैसे काम कराए जाए इसके बारे में इसलिए आवश्यक हो कि जनता से परिचय नेताओं का नहीं हो पा रहा है, केवल चुनाव के अपेक्षा से तो हो जाता है लेकिन उनके घर तक जाकर के क्या समस्या है उसका वो अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, कर भी नहीं सकते। जो यहाँ रहता है बीच में वह जो जितना अध्ययन कर सकेगा वह और कोई नहीं कर सकेगा, इसलिए यहाँ पर आना। तो आप हम लोगों का यही सोच है कि आप लोग वहां से पुनः पंचायत की ओर जो सरकार देख रही है यहीं पर ठीक कर दो, न ही कोई कोर्ट, न ही उच्च न नीचे निचले कोर्ट, न उच्चतम कोर्ट, कोई भी व्यवस्था उस समय थी नहीं। तो ये सारा सारा बड़ा देश कैसे न्यायनिष्ठ था, ये महत्वपूर्ण है। न वकील थे और न ही जज थे, न्यायाधीश थे, यदि थे तो पंचायत सभा थी। सुन रहे हो? आप लोगों के लिए भी पंचायत चाहिए और उन पंचों को संचालित करने के लिए भी पंचायत चाहिए। हमारे मंत्र में, महामंत्र में पांच पंचायत हैं। कौन कौन है? बच्चों को आप पढ़ाते हैं, याद करो बेटा, याद करो। क्या? नमोकार मंत्र। ये कौन है? ये हमारा पंच है। इनकी बात सिरोदार है। उसी प्रकार जो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, कितने भी व्यक्ति कौन हो गांव में, सब उसको मानते थे। वो जो कहता वह पूरा पूरा हो, एक बार में सब, पांच मिनट नहीं लगता था। और आज शताब्दी होने के उपरांत भी वह न्यायालय से कई बार आना जाना, आना जाना, आना जाना हो जा करके कपड़े तो फट ही गए, चप्पल कई बार फट गए, जाते जाओ आते जाओ, जाते जाओ आते जाओ, पैसा देते जाओ। ये पैसे से काम नहीं होता, ये नीति न्याय पढ़ने से ही हुआ करता है। इस ओर आप शिक्षा की ओर नहीं देख रहे। जबरदस्ती यदि मान लो आपके अनुसार वह न्यायालय में घोषणा हो भी जाए तो क्या आपका दिल मानता है इसको? यदि दिल मन नहीं मानता है
तो न्यायाधीश ने क्या न्याय दिया? बहुत कठिन हो गया। इसलिए आप आदर्श मार्ग की ओर अवश्य जाएंगे और जो कुछ भी अपने अशुद्धियां हैं जीवन की उसको ठीक करेंगे, तो फिर वापिस वही आ रहा है कि अब शहर नहीं बनाओ, अब महानगर मत बनाओ, अब क्या बनाओ, आदर्श ग्राम। हमारे पास एक नेता जी आए थे, महाराज हमारे शहर के पास एक आदर्श गांव ग्राम बनाने जा रहे हैं। वो कौन है? अजनाश। उसने खाते गांव नहीं आया, ये भी तो गांव है ना, गांव नहीं नगर है क्या? खाते गांव नगर, गांव तो लगा है खाते गांव। अब यह कितना महानगरी भी बन जाए फिर भी यह खाते गांव ही रहेगा, नगर नहीं बनेगा, नहीं समझी? अब अजनास का भाग्य खुल गया, अब क्या होने वाला है? जो खाते गांव में नहीं वो वहां पर होगा, मतलब बाईपास से उस गांव के पास जनता जाएगी। कौन से वहां पर केंद्र से घोषणा हो चुकी है बताते, यहाँ के तो लोग गए होंगे, तो यहाँ की पंचायत, यहाँ की प्रबंधन उसमें से घुस करके कितने वह आदर्श बना पाते हैं ये इनके ऊपर आधारित है। यहाँ के लोगों से लोगों को गौण करके ऊपर से कोई व्यक्ति आएगा, कभी भी वह आदर्श गांव नहीं बना पाएगा। जो आज है उससे कई गुना तब बनेगा, यहाँ के ही कर्मचारी, यहाँ के ही उस गांव के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति समर्पित होकर के काम करेंगे, एक एक पाई का सदुपयोग करेंगे, तो कल का अव आज का अजनास फिर बाद में अजमाओ क्या क्या होगा, क्या होगा। इसका अर्थ ये हो गया, दिल्ली में कुछ नहीं, भोपाल में कुछ नहीं, और संभाग में कुछ नहीं, फिर क्या है फिर बताओ? तो हम बता देते, गांव गांव जाओ, पांव पांव जाओ, हेलीकॉप्टर से उतरोगे तो आदर्श नहीं बन पाओगे, नहीं समझे? हाँ सुन रहे हैं आप लोग, नाड़ हिल रही है। तो प्रत्येक गांव को यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं विचारों से, आचरणों से, और इतिहास के साथ उसकी तुलना करना चाहते हैं, तो आज बहुत सुधार हुआ है। यदि इतना व्यय उस गांव के ऊपर हो जाता है तो वह स्वर्ण युग माना जाएगा, लेकिन आज स्वर्ण की पहचान ही नहीं है तो खाई का स्वर्ण युग। पहले कहने मात्र से स्वर्ण युग नहीं होता, वहां पर रत्न युग है, ऊपर बरसते रहते हैं, वहां के लोग भी यहाँ पर आने को तरसते रहते हैं, और आप इधर से उधर जाने के लिए तरस रहे हैं, ये तो भाग्य गड़बड़। स्वर्ग यहाँ अवतरित होना चाहता है, यही तो तुम स्वर्ग ये गए हैं लोग, देवलोक हो गए ना, देवलोक क्या अर्थ यही है। हम विचारों से और आचारों से आदर्श बने, फिर हमारा जहां रहना होता है वह आदर्श बिना चल ही नहीं सकता, आदर्श हो ही जाता है। व्यक्ति की तो पूजा होती है तब जब उसमें व्यक्तित्व रहता है, व्यक्ति की ही पूजा नहीं उस व्यक्ति की छाया की भी पूजा होती है, नहीं समझे? छाया भी पूजे जाते हैं,
व्यक्ति तो चला गया, व्यक्तित्व का वह वपन करके बीज बो करके गया है, तो उसकी छाया में भी वही रूप देखा जाता है। छाया का यहां नहीं है क्या, सामने खड़ा है, व्यवस्थित खड़ा है, सब भर रहा है, मैं देख रहा हूं, नहीं समझे, एक 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 वो शब्द को भी पकड़ रहा है और रूप को भी पकड़ रहा है, उसमें छाया चित्र आ जाएगा। छाया को देखने से, छायाकार का जैसे विशेष गुण समझ में आ जाता है, उसी प्रकार आपकी यह बोली, आपकी यह छाया आचरण, आपकी यह विचारधारा जब उज्जवल हो जाती है, फिर बाद में कोई साफ सफाई की आवश्यकता नहीं होती। हम प्रत्येक कार्य को इस आदर्श के कसौटी पर कसते हुए चले, हमारा आदर्श हमेशा हमेशा इतिहास रहेगा, भविष्य नहीं। हम भविष्य को देखेंगे, किसमें देखेंगे, भूत के उस ओरिजिनल जिसको बोलना चाहिए स्वाभाविक चित्र था उसके साथ तुलना करेंगे, होना ही पड़ेगा। सफलता यह हमेशा हमेशा मुंह ताकती रहती है, किसके जीवन में घटित होती है, कठिन परिश्रम करता है, और कठिन परिश्रम भी अविरल करता है, और वह मन चाहे सोच करके नहीं करता है, किंतु वह एक प्रकार से शिक्षण प्राप्त करता है पूर्वजों के माध्यम से, और उसको साकार रूप दे देता है। आज का रविवार इतना ही पर्याप्त समझता हूं मैं कि आप लोग जो कार्य करने जा रहे हैं, अच्छे ढंग से कमर कस लीजिए और विचारों में इसी प्रकार के आदर्शता ले आइए, जो पूर्वजों ने किया है उसका यदि आधा भी हिस्सा हम कर लेते हैं बहुत बहुत हो जाता है। किंतु आज का लड़का 101 नंबर लेना चाहता है, ये समझो 101 गुण, तो 101 गुण लाने के लिए गणितीय पद्धति से सोचते हैं तो एक तो पहले कायम रखना होगा, सुन रहे हो, फिर एक को कायम रखा, फिर इसके उपरांत दूसरे उसी के सामने थोड़ा सा स्थान छोड़ करके एक और रखते, तो क्या हो गए, दो हो गए संख्या, उसके बीच में शून्य रख दो, 101 हो गया, ये बहुत आसान हो गया, नहीं, 101 तक संख्या बढ़ाने के लिए हमें शून्यवीं संख्या कब आती है इसको भी सोचना पड़ेगा। अच्छा ढंग सोचिए, आज का विज्ञान शून्य को संख्या के रूप में स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, शून्य को संख्या तब मान सकते हैं जब उसके पीछे पहले संख्या हो, अंक हो, फिर बाद में उसको हम संख्या का रूप दे सकते हैं। कब देंगे, एक और एक मिला दो, दो दो और एक मिला दो तीन, इस प्रकार आप बढ़ाते हुए चले जाइए, नौ तक जाइए, फिर इसके उपरांत संख्या सब गायब हो गए, कोई है ही नहीं, यही अखंड एक अंक है संख्या नौ, इसके बाद एक मिला दो, क्या हुआ, दस आया, तो वह शून्य आया, जबकि हमने कहीं से भी शून्य देखा ही नहीं था, नहीं शून्य देखा, शून्य को तब हम देख सकते हैं जब हम अंक अपने सामने रखते हैं, कहां से घटाना, किसमें से घटाना, किसमें बढ़ाना,
किसके किससे गुणित करना, किससे किसको विभाजित करना, ये कुछ तीन चार होती हैं बाटे हैं, उसके माध्यम से मालूम पड़ता है शून्य में संख्या कब आती है। शून्य अपने आप में पहले संख्या नहीं होती, शून्य से प्रारंभ किया जाता है कार्य। नहीं समझे? जो ही सिद्धोदय से बाहर आ गए, थोड़े से आने के उपरांत खाते गांव लिखा हुआ था। नहीं समझे? और खाते गांव में लिखा है जस्ट सामने, खाते गांव 14 किलोमीटर, खाते गांव 14 किलोमीटर, बहुत अच्छा। और खाते गांव उसी के पीछे बाजू लिखा हुआ था, अब क्या लिखा वहां पर? शुद्धोदय शून्य, शुद्धोदय शून्य। क्यों? इधर से जो जाता है उसके लिए शुद्धोदय की बात होती है, उदय से जो चलता है उसके बाद। अर्थ ये हुआ शून्य से हम चालू करते हैं, अंक बाद में आता है, हम चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे, केवल दिमाग चलेंगे तो नहीं, दिमाग चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अंक 10 के रूप में आया, वो 9 में एक मिलान से आया, फिर इसके उपरांत यह दशक 10 बार आएगा, तब कहीं जाकर के बोलो तो एक के सामने 2 शून्य लगेंगे, तब तक 99 को पार करना पड़ेगा। 99 का बहुत बड़ा चक्कर है आप लोगों के यहाँ, कौन से 99 के चक्कर में फंसे हो, ऐसा लोग कहा जाता है कि यही है। वहां पर जाने के लिए 10 दशक जब पूर्ण होते हैं कहीं जा करके, वहां पर एक के सामने 2 शून्य है। अब एक शून्य मान लो कभी गायब हो गए, किसने घोषणा कर दी, क्या कर दी घोषणा? 11,000 की घोषणा तो हो गई, लेकिन लिखित रूप में क्या दिया? देख लिया। और जो घोषणा करने वाले क्या कर दिया? 1,00,000, 1,00,000 ये कह दिया, और कुछ कह दो? नहीं नहीं, वो कहता नहीं नहीं, फिर क्या लिखा? ये तो लिखता 11,000 है, 11,000 को भी नहीं पढ़ पाए, इतना लग दिया। ऐसा नहीं होता, एक ही शून्य में क्या चमत्कार होता है, 10 से 100 हो जाता है। ये समझे? बहुत श्रम करना पड़ता तब कहीं आकर के शून्य मिलते हैं सामने। आजकल के बच्चे 101 नंबर लेने के लिए तैयार हैं, कमर कसो। बस 101 क्यों कहा जाता? सुनो, हम कह देते हैं मिलते तो सौ, और जो उसको ठीक करता है और दिखता 100 है, मैं अपनी तरफ से 1 और चाहिए देते। इसको बोलते हैं आप परिश्रम करिए, लोग आपको 101 बना देंगे। बनने की मत ठानो, करने की ठानो, नंबर वैसे नहीं मिलते। आज कॉल करो, ये कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, नंबर बढ़ जाएंगे हमारे। अच्छा तो फिर ऐसा कर दो, जो नंबर देने वाला होता है उसके लिए कृपांक मुझे दीजिए, ऐसा न कहो। और ये कह दो हमने महाराज जी से आशीर्वाद ले लिया, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। बच्चे ये तो दिमाग चलाते थे, नहीं समझे? लिखते समय भी आशीर्वाद, परीक्षा देते समय भी आशीर्वाद, अध्ययन करते समय भी आशीर्वाद, और लिख करके आ गए और परिणाम घोषित हो गया उतना तारीख के दिन। महाराज कल घोषित होना है रिजल्ट, परिणाम तारीख आशीर्वाद दे दो। अरे जो लिखा है वही तो आएगा। नहीं महाराज, कई बच्चे हो चारो बहुत होते हैं, महाराज जो वो ठीक कर रहे हैं ना, नंबर देता उसका दिमाग ठीक हो जाए, इसलिए आशीर्वाद। बच्चों के दिमाग तो बहुत तगड़ा है, हम ऐसे नहीं सोच पाते। देखो इतना परिश्रम कर रहा है, तुम अपना दिमाग तो कम से कम ठीक कर लो।
महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे ताकि मेरा कृपांक मांगने की चेष्टा छूट जाए, मैं एक नंबर लेकर के रहूंगा। इसको बोलते हैं कमर कसना। अब आप भारतीय पहनाव की ओर देखो तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सोचने के लिए जब बैठते हैं खुला आसमान होना चाहिए और दिमाग भी बहुत खुला होना चाहिए। बहुत सारे बाल रखोगे तो नहीं होगा। हाँ पहले तो होते थे चोटी रखते थे, क्यों चोटी इसलिए रखते थे चोटी की जो हिलना फिलना हो जाता था उससे हवा लगनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि वह हवा ऑक्सीजन प्राणवायु मिले बिना काम नहीं करता। आज वह सब बंद हो गया, घुटन में रहते हो एयर कंडीशन में, कंडीशन एयर होना चाहिए। हाँ हवा साफ सुथरा हो तो ये काम होता है। आज कोई भी माता पिता उसको नहीं समझाते, वो स्वयं भी नहीं समझते तो उसको क्या समझाएंगे। इसलिए आज का यह रविवार हम इतना ही समझते हैं, बनने का बात बंद कर दो, क्या बने हैं मालूम पड़ा है, अब करने का ठान लो और अपने आप ही सफलता आपके सामने आएगी, ऐसा समझता हूँ मैं और यह वक्त ही पूर्ण करता हूँ। कल नहीं परसों के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, उसी के अनुसार कार्य करो। ब्रह्मचारी जी इसे कहते हैं, मेरे पास आयान मत करो। हाँ जो ब्रह्मचारी जी कहते हैं उसके अनुसार करो, आशीर्वाद के लिए लास्ट में आया करो, ताकि बार बार तो मुझे भी आशीर्वाद देना ना पड़े। इस कार्य के लिए 3-4 बार तो आप मुझे आशीर्वाद दे दिया, ऐसे क्यों हो रहा है, मुहूर्त गड़बड़ है। तो पहले मुहूर्त की ओर देखते हो, मुहूर्त तक पहुंचने की सामग्री की भी तो रखो आवश्यकता। क्या करोगे, पक्का है? ज्यादा मान लो मौसम खराब है तो क्या करोगे, मुझे बताओ, कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सद्भाव रखो और ठानो, विश्वास भी हो और विश्वास में अभिमान ना हो, मैं करके रहूंगा ये नहीं, करेंगे। हमारी निष्ठा है, हमारी आस्था है, हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद भी लास्ट में है, वो आशीर्वाद भी है, तब ये कार्य संपन्न होगा। प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवान हमारा यह ऐतिहासिक कार्य, नहीं समझे, ऐतिहासिक कार्य संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। हाँ तब कहीं आकर ये अच्छा हुआ, एक दो हफ्ते पहले से ही वर्षा भी आकर के चली गई, ताकि लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं रखना। तैयारी में रहना चाहिए हमेशा हमेशा, तो काम होगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मणि महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि है, स्वात्मोपलब्धि शिवशो की सिद्धि है, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तामंद मानस्य ममास्तु देवी।